आइए क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं। y इज इक्वल टू mx फॉर्म डी लिख लिया। हाँ भाई देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, कई तरीक़ों से आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो क्या है, आपने ये सोचा ऐसा कर लेते हैं, है ना। अब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इसको जो है डिस्क्यू कर दूँगा तुरंत, है ना, डस्ट लूँगा इसको, है ना। तो अपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई डी एक्स माइनस वाई, है ना, समझ में आ रहा है। एक्स वाई का डेरिवेटिव माइनस वाई, बहुत सिंपल सा सवाल है ये, आपका आंसर आ गया, है ना। ये एक तरीका, दूसरा तरीका आपसे, आपने इसी अवस्था में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी वाई डी एक्स कितना आ गया एम, ये एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, एम का वैल्यू वहाँ से उठा लिया, एलिमिनेट करना है ना अपने को आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, कितना आ जाएगा वाई बाई एक्स, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हैं। बहुत छोटा सवाल, और छोटे सवाल के जो जो थॉट प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी, एक किल करना है ना, भिड़ते पहले ख़त्म कर देना, और दूसरा चलो ख़त्म नहीं करते, बाद में ख़त्म कर देंगे, एलिमिनेट कर लेंगे आराम से, वैल्यू उठा लेंगे, ठीक है ना, जैसे चाहे आप सोच सकते हैं। ठीक है ना, बोथ ऑफ द थिंग्स आर करेक्ट। अच्छा, इसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कितना है, एक, क्यों, लाइन में तो दो होते हैं, खास है ना ये, उसने एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आपको बता दिया, कैसे, लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो इसीलिए लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, इसलिए आर्बिट्री कांस्टेंट कितना होगा, एक होगा। हाँ भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर फॉर्म डी, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना, ये तो सरल से हो जाएगा, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट, एक, डिफरेंशिएट कर दो, आ गया आंसर, इसका आंसर ये, इसका डेरिवेटिव ये, टू बाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, आंसर कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाय फाइव। वैसे ये भी ठीक है, ये भी आंसर है आपका, ये भी आंसर है, दोनों एक ही बात है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए इंटू एक्स प्लस ए, हाँ डिफरेंशिएट कर दिया इसको, वाई स्क्वायर को आएगा टू बाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा फोर ए, क्लियर है, ये आ जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ से निकाल के बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना, ये दो इक्वेशन, तो फोर ए का वैल्यू कितना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई वाई डैश
इंटू एक्स और प्लस क्या लिखा है फोर ए स्क्वायर है ना, तो यह आ जाएगा वाई वाई डैश का होल स्क्वायर है ना बेटा। फोर ए स्क्वायर मतलब टू ए का होल स्क्वायर और टू ए कितना है वाई वाई डैश, ऑर्डर कितना आ रहा है वन। अरे तो आँखों से ही बता सकते हैं ना, एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है तो ऑर्डर कितना आएगा बेटे एक आएगा, डिग्री कितना आएगा, डिग्री कितना आएगा टू आएगा, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना आ रहा है टू आ रहा है, तो डिग्री इज इक्वल टू टू। y is equal to ax square plus bx plus c, पेन छोड़ दो पेन छोड़ दो बिजीत बेटे पेन छोड़ दो। आंसर क्या है और ऑर्डर क्या है, क्या आंसर है और आंसर क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। कोई जल्दी नहीं है अपने को, आराम से योगा कर सकते हो ठीक है ना, कोई जल्दी नहीं है, पेन छोड़ दो बेटे पेन छोड़ दो। हाँ विभिषित बताओ भाई आंसर क्या है। हाँ पार्थ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं इस इक्वेशन में, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, तीन आर्बिट्री कांस्टेंट है तो ऑर्डर कितना आएगा तीन, ऑर्डर कितना आएगा तीन। अब गोली मारना चालू करो, आंसर क्या आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगी, बेटे डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आते, डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब वो मुझे मत बताओ कि और करना है या नहीं करना है, तुम तो मुझे आंसर बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या नहीं आएगा आपका, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे सौ नहीं आएगा ठीक है, क्या आएगा एक्स वाई और डेरिवेटिव आएंगे वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश, ए बी सी नहीं दिखेगा। तुम्हें तो हल्का सा भी टफ दे दो ना, हल्का सा भी तो ढक्की टिक्की ढक्की टिक्की ढक्की टिक्की हो जाता है तुम्हारा है। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, चलो इसका बताओ, मतलब अगर टीचर सी डी दर सर नीचे ना, मतलब पॉइंट वन सॉरी नेचुरल नंबर एक दो और अगला नेचुरल नंबर चार बता देना है, गलती हो गई मालिक तीन आएगा बीच में है, बताओ भी क्या आएगा इसका, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, ऑर्डर कितना आएगा, आंसर क्या आएगा है। अरे एक बार गोली चलाई ये आ गया, एक बार और गोली चलाई, एक बार गोली चलाई आया, दोबारा गोली चलाई आ गया, आ गया आंसर, ये आपका आंसर वाई डबल डैश जीरो। अब दिक्कत आ रही है क्या, एक बार डिफ्रेंशिएट किया ये आ गया, पुनः डिफ्रेंशिएट किया ये आ गया, मर गए ना सब, सबको मार दिया, सबको गोली मार दी ठीक है ना, खत्म खत्म तो आ गया आंसर। अब इसमें क्या करेंगे, कितनी बार गोली चलाएंगे, इसमें निशाना जो है ना, निशाना बस लगाना है और एक ही जगह डिचके हो डिचके हो डिचके हो, आ गया आंसर आपका, कितना आंसर है, अरे जादूगर हो तुम तो, सट आंसर होता था लड़का, कैसे उसे बस थोड़ा सा यू नो वो कालीन बिछा दो रेड कारपेट बिछा दो फिर तो वो है ऐसे करके फोटो खिंचवाएगा। कितना आ गया वाई ट्रिपल डैश जीरो, लिख लो ये आपका आंसर।
चलो फिर आसान आसान क्वेश्चन ही करो फिर, है ना। अपन प्राइवेट कॉलेज की तैयारी कर लेते हैं, है ना। एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, फिर कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज पर आएंगे, ठीक है ना। गवर्नमेंट कोटा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, हाँ भाई, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर लो भाई। कोटा 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 इंजीनियरिंग कॉलेज, कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज, बताओ भाई क्या आएगा आंसर। सर सर, अरे इसमें तो सर सर मत कराओ, आ गया ना आंसर, एक बार गोली मारी खत्म, है ना भाई। क्या आंसर क्या आ रहा है? वाई प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू जीरो, ये आपका आंसर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, लोकल टाइप्स एम एन आई टी, लोकल टाइप्स एम एन आई टी, लोकल टाइप्स एम एन आई टी, हाँ भी बताओ। लोकल टाइप मतलब पिछड़ा हुआ एम एन आई टी नहीं, एन आई टी, एम एन आई टी तो ये जयपुर वाला ही है। पेन ले सकते हो हाथ में ना, पेन ले लो। पांच मिनट लो ना, आप आराम से ट्राई करो पांच मिनट तक। पर आप क्या करते हो, ट्राई नहीं करते हो आप तो पेन चलाने लग जाते हो, हैं? तुम्हें बस मौका दे दो, पेन दे दिया ना, फिर तो लो कितना लिखवाना है सर। अरे पेड़ों से बनता है ये कागज, पेड़ों से, शर्म कर लो इसको, हैं? रुक जाओ, आराम से सोच लो कर क्या रहे हो तुम, तो लगे हो डिफ्रेंशिएट करने में। अरे मारना काटना भी तो है, इनको मारना काटना भी है। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये नहीं है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब डिफरेंशिएशन नहीं है, थोड़ा सोच समझ के भी। अगर गोली चलानी होती तो गोली चलाना तो मेरे को भी आता है, लेकिन कहाँ चलानी है, किधर से चलानी है, छुप के चलानी है, स्नाइपर है ना, तो स्नाइपर टाइप से। आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? कितनी बार गोली मारनी है? दो बार, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में रखना एलिमिनेशन का, है ना, आगे चल के फंस न जाए, है ना, ठीक है। ऐसा आगे अब आप क्या कर सकते, दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, है ना। ठीक है, यह अब आप डिवाइड कर दो इन दोनों को, है ना। ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, ए इज इक्वल टू माइनस बी, डिवाइड कर दोगे, ए कट जाएगा, बी भी कट जाएगा। अरे दिखा, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी वाई वाई डैश, ए इज इक्वल टू माइनस बी इंटू ये सब, ए एक्स अपॉन ए कितना जाएगा एक्स, उधर माइनस बी कट के क्या जाएगा वाई वाई डैश डिवाइडेड बाय वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई वाई डबल डैश। तो ऑर्डर कितना आ रहा है वन, इधर उचका लिया, ऑर्डर कितना आ रहा है वन, और डिग्री कितना, ऑर्डर कितना आ रहा है टू, डिग्री कितना आ रहा है वन, है ना। वाई डबल डैश की पावर कितनी है वन, सो डिग्री इज वन, ऑर्डर इज। देखो बेटे, मैं ये अगेन दोबारा कह रहा हूँ, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में तरीका बताया था कि स्टार्टिंग में मार काट मचा दो, ठीक है ना, या आप रुक करके बाद में एलिमिनेट कर लो, दोनों सही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है क्या, आप मेरे को बता सकते हो। यू कैन शेयर, शेयर करने से नॉलेज बढ़ती ही है, मेरे पास भी और है, पर आप इसे संतुष्ट हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर क्या करते, तो भेड़िया आता तो यही ना, वही ढाक के तीन पात, तो फायदा क्या हुआ। आप क्या कर सकते थे, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे हो करके आप ए से डिवाइड कर दो, क्या कर दो बेटे, ए से डिवाइड कर दो, क्या कर दो बेटे, ए से डिवाइड कर दो। अब गोली चला दो, तो गोली चला के क्या, इसको मार दिया ना आपने, एक को मार दिया, ठीक है, और इसको लैम्डा बोल दो उस वक्त, ये लैम्डा बोल दो, फिर आप अगले स्टेप में अगले को डिफरेंशिएट करो, है ना। तो 2x
प्लस लैम्डा बोल दिया थोड़ी देर के लिए, टू वाई वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। अब इस लैम्डा को घेर लो, है ना, तो लैम्डा कितना आ रहा है, माइनस एक्स अपॉन वाई वाई डैश इज इक्वल टू लैम्डा। फिर इसको अब तो घेर लिया इसको, अब तो लटका दो इसको, गोली मार दो, खत्म, यहाँ क्वेश्चन टू लग जाएगा, न्यूमरेटर में आपका आंसर आ जाएगा, सही है, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू दिस, क्लियर है मतलब। तो आप बहुत तरीकों से हो सकते हो, यू कैन थिंक बाय वेरी लॉट्स ऑफ वेज, देर लॉट्स ऑफ वेज टू थिंक अबाउट अ क्वेश्चन, सब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रिलैक्स एंड थिंक, ठीक है ना, एक क्वेश्चन को कई बार सोचें आप कि यार इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, है ना, लॉट्स ऑफ वेज, बहुत ऑप्शन है।